दोस्तों, अगर आपका बजट है 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए का बजट इतना महंगा बजट होता है कि आदमी 10 मरतबा सोचता है एक फोन लेने को से पहले, क्योंकि एक फोन ले रहा है वो भी 30,000 रुपए की रेंज में, तो उसका सोचना बनता है। अगर आप भी 30,000 रुपए की रेंज में एक बेस्ट फोन लेने को सोच रहे हैं तो आप भी रिसर्च कर लीजिएगा और आप भी देख परख लीजिएगा कि आपको कौन सा फोन खरीदना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी रिसर्च करके लेकर आया हूँ Top 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स, वो भी अंडर 30,000 की रेंज में। 30,000 की रेंज में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना ये होगा कि आपको क्या नीड है, आपकी क्या ज़रूरत है, आपको किस पर्पज़ के लिए फ़ोन चाहिए। अगर वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो रहा है उस रेंज में, तो आपके लिए वो फ़ोन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को Top 4 बेस्ट फ़ोन बता रहा हूँ, जिनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से देख पाएंगे। जहाँ पर मैं चौथे फ़ोन से स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन किस पर्पज़ के लिए है सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अपने चौथे फ़ोन से, जो कि आता है सैमसंग का गैलेक्सी S10 लाइट। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो ऑफिस वर्क करते हैं और उनको गेमिंग ज़्यादा करना पसंद नहीं है, डे बाय डे में यूज़ करते हैं, और एक शो ऑफ या फिर एक प्रीमियम फ़ोन चाहिए जो कि हाथ में आपके अच्छा लग सके और दूसरे लोग देखकर ये बोल सके कि हाँ, आपके पास एक ज़बरदस्त और ऑफिशियल फ़ोन है और आप अच्छा सा वर्क इसमें कर पाएँ, डे बाय डे में कोई भी ऑफिशियल वर्क हो आराम से उसको निपटा पाएँ। तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 लाइट बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें आपको एक स्लिम सा पेन भी मिलता है साथ में। चलिए जानते हैं क्विक इसकी स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फ़ोन की, तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.7 गिग्स का सैमसंग एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जो कि आपको 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। जहाँ पर डिस्प्ले की अगर बात करें, तो 6.7 इंचेस की आप लोगों को एक बड़ी एंड ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है, जहाँ पर आपको 399 PPI डेंसिटी मिलती है। साथ ही साथ डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है। एजेस और चिन बिल्कुल ही माइनर से मिलते हैं, यानी कि बहुत ही पतले मिलते हैं। फ्रंट और बैक से देखने में फ़ोन बहुत ही ऑसम लगता है। साथ ही साथ आपको एक स्टाइलिश पेन मिलता है, जिससे कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की अगर बात करें, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको लाजवाब मिलती है, जहाँ पर LED फ्लैश लाइट आप लोगों को मिलती है। साथ ही साथ फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी आप लोगों को इस फ़ोन में 4500 mAh की मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है इसमें, और USB Type-C पोर्ट मिलता है, जहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आप लोगों को फ्रंट में मिल जाता है। फ़ोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। जहाँ पर अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरा परफॉर्मेंस की, तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है। इसमें ट्रिपल कैमरा आप लोगों को मिल रहा है, वो आपको बहुत ही ऑसम मिलती है। डिस्प्ले इसकी लाजवाब है, फ़ोन बहुत ही ऑसम है। ये लाइट वर्जन है आपका गैलेक्सी नोट 10 का, तो इसमें आपको थोड़ा सा 1000 जो वर्ज़न है उसी की तरह ये सिमिलर लगता हुआ आपको मिलता है, मतलब वही बिल्कुल लगता है। हल्का सा स्क्रीन में छोटा होता है बस। अब देखा जाए तो इसकी जो प्राइस है, वो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाती है 29,990 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये कीमत में अमेज़ॉन पर मिल जाता है। बाकी आपको ये फ़ोन मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे भी, वहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको बाय कर पाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कौन सा लेने को सोच रहे हैं। चलते हैं अपने यहाँ पर तीसरे फ़ोन की तरफ। दोस्तों, तीसरा फ़ोन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है 5G फ़ोन। अगर आप 5G फ़ोन लेना चाहते हैं और जिसमें आप ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस चाहते हैं फ्रंट में और रियर से भी, जिससे कि आप सेल्फी अच्छी ले सकें और वीडियो रिकॉर्डिंग ज़बरदस्त कर सकें, साथ ही साथ आपको एक बड़ी एंड ह्यूज डिस्प्ले चाहिए जो कि सुपर एमोलेड हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आता है वीवो का V20 Pro, जो कि आपको अंडर 30,000 की रेंज में मिल जाता है। ये 5G प्रोसेसर के साथ आता है आप लोगों के लिए, और इसमें आपको ज़बरदस्त डिस्प्ले मिल जाती है और कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिल जाती है, जहाँ पर फ्रंट कैमरा बहुत ही ऑसम मिलता है आप लोगों को। चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें Vivo V20 Pro की, तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.4 गीग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। साथ ही साथ एक 5G प्रोसेसर भी है,
और 8GB रैम आप लोगों को इस फोन में मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो 6.44 इंचेस की आप लोगों को फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। फ्रंट और बैक से एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं फोन में। अगर आप देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है। 64+8+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है ड्यूअल कलर LED फ्लैश के साथ, और 44+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिल जाता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब निकल कर आती है। यहाँ पर अगर बात करें बैटरी की तो आप लोगों को 4900mAh की बड़ी बैटरी, फ्लैश चार्जिंग ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिलता है डिस्प्ले पे। फोन जो है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही पर 29,990 कीमत में मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस 5G फोन को बाय कर पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने दूसरे और ऑलराउंडर फोन की। दूसरा हमारा फोन जो है वो ऑलराउंडर फोन है। इस फोन में आपको कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिल जाती है, इसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही ऑसम मिल जाती है, इसमें आपको प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाता है, साथ ही साथ आप लोगों को इस फोन में बैटरी भी ऑसम मिल जाती है, यानी कि ऑलराउंडर फोन निकल कर आता है। इस फोन को आप ले सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। ये हमारा Realme का X7 Pro। जी हाँ दोस्तों, Realme X7 Pro एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। Realme X7 Pro की अगर बात करें तो आप लोगों को ये फोन ऑक्टा कोर 2.6 GHz की स्पीड के साथ मिलता है, जो कि MediaTek Dimensity 1000 के साथ आप लोगों को मिलता है, जहां पर आप लोगों को 5G सपोर्ट मिलता है इस फोन में। साथ ही साथ आप लोगों को 8GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। जहाँ पर अगर बात करें डिस्प्ले की तो 6.55 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो हो गया ना एक दमदार फोन। देखा जाए तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देता है मूवी देखने में और गेमिंग करने में। साथ ही साथ आपको डायमेंसिटी जब 1000 मिल रहा हो तो आपका गेमिंग करने का क्या एक्सपीरियंस होगा। बात करें अगर कैमरे की तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है आप लोगों को रियर से। फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है फ्रंट और बैक से। बात करें अगर फ्रंट कैमरे की तो आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ सुपर डार्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 65W का चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपके आधे घंटे के अंदर फोन को चार्ज कर देता है। साथ ही साथ USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलता है। जहां पर अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर ये 30,000 या फिर 31,000 का देखने को मिल सकता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आपको। और अगर आप इसको खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से तो आपको मिलता है 29,990 कीमत में। तो देख सकते हैं आप ऑनलाइन जाकर भी और ऑफलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हैं। पहला फोन हमारा आता है एवरग्रीन फोन की अगर बात करें तो ये हमारा जो है डुअल स्क्रीन के साथ आता है, और इस फोन में आप लोगों को जबरदस्त प्रोसेसर मिलता है। आप वीडियो देखना आपको बहुत ही पसंद है या फिर आपको गेमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ये फोन आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यह है LG का G8X ThinQ, जो कि एक लाजवाब फोन निकाला है LG वालों ने। इस फोन में आपको डुअल स्क्रीन मिलती है, जो कि आपकी OLED डिस्प्ले होती है, दोनों ही OLED डिस्प्ले होती है। उसके साथ साथ आप लोगों को इस फोन में कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है, एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलता है गेमिंग करने के लिए और मल्टीपर्पज के लिए। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कि इस फोन में आप लोगों को डुअल स्क्रीन मिलती है 6.44 इंचेस की, जो कि OLED डिस्प्ले होती है, जहाँ पर आपको 403 PPI डेंसिटी देखने को मिलती है। फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है आप लोगों को। जहाँ पर अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। साथ ही साथ 2.84 GHz की स्पीड आप लोगों को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है। देखा जाए तो आप लोगों को 6GB रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। बात करें अगर यहाँ पर कैमरे की तो आप लोगों को 12+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है। बात करें अगर यहाँ पर बैटरी की तो 4000mAh की बड़ी बैटरी, क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर इस फोन में आप लोगों को IP68 की रेटिंग मिलती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाता है।
तो फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है। और अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हैं फ्लिपकार्ट से तो ये फ़ोन आपको मिल जाता है 25,990 रुपए की कीमत में, यानी कि एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन निकल कर आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा फ़ोन। अगर आप एक ऑफिस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो सैमसंग के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आप एक कैमरा परफॉर्मेंस फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप वीवो के साथ जा सकते हैं, वीवो V20 Pro के साथ। और अगर आप एक ऑलराउंडर फ़ोन लेना चाहते हैं तो रियलमी X7 Pro के साथ जा सकते हैं। और अगर आप एक एवरग्रीन फ़ोन लेना चाहते हैं यानी हर मामले में ज़बरदस्त फ़ोन, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर जो कि आता है OLED डिस्प्ले के साथ आपका LG का G8X ThinQ। ये फ़ोन बहुत ही औसम है। अब आप मुझे अपनी राय बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कौन सा लेने को सोच रहे हैं। और अगर कुछ भी आपका सवाल हो या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की डेली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की डेली वीडियोस आप लोगों के लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। जय हिंद।